हेलो दोस्तों, गेरिन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। देखिए, मैंने फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रहा हूँ। तो अगर आपने पेट्रोल इंजन की वर्किंग नहीं देखी है तो प्लीज वो वाली वीडियो पहले देख लीजिए, क्योंकि पेट्रोल इंजन की वर्किंग अगर आपको पता है तो डीजल इंजन की वर्किंग बहुत ही ज्यादा आसान होती है। तो आइए शुरू करते हैं फोर स्ट्रोक डीजल इंजन वर्किंग। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो वाली वीडियो देख ली है। उस वीडियो में मैंने फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग बड़े ही आराम से क्लियर कट समझाई हुई है, तो आप जरूर उस वीडियो को देख लीजिए अभी, क्योंकि उसके बेस पे बहुत ही ज्यादा आसान है इस चीज को समझना। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारे पास डीजल इंजन की वर्किंग में सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास सिलेंडर है और पिस्टन है। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हमारे पास है। देखिए, सेम पेट्रोल इंजन की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। तो पेट्रोल इंजन की तरह कैसे, कि पहले तो ये जो पिस्टन है वो नीचे की ओर मूव करेगा। कहां से? टीडीसी से बीडीसी तक मूव करेगा। टीडीसी मतलब टॉप डेड सेंटर और बीडीसी मतलब बॉटम डेड सेंटर। तो जब वो नीचे की ओर पिस्टन मूव करेगा तो यहां पे हमारे पास दो वॉल्व्स होते हैं। तो यहां पे है एक वॉल्व, यहां पे है जिसे हम इनलेट वॉल्व कहेंगे। एक लेट वॉल्व यहां पे है जिसे आउटलेट वॉल्व कहेंगे। तो हमारे पास जैसे ही हम इसको टीडीसी से खींचते हैं नीचे की ओर, तो हमारे पास ये वॉल्व अभी बंद है, आउटलेट वॉल्व बंद है, तो सक्शन स्ट्रोक होगा। तो सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा, जैसे हमने पेट्रोल इंजन में देखा था, तो सक्शन स्ट्रोक में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर दोनों अंदर आते हैं, है ना। उस वीडियो मैंने समझाया हुआ है। तो अब जब सक्शन करते हो तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर दोनों अंदर आते हैं, लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं होता। डीजल इंजन में जब आप इसको स्ट्रोक को मूव करते हो, इसके सक्शन स्ट्रोक करते हो, ठीक है, यह है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जब नीचे की ओर मूव करता है तो अंदर सिर्फ एयर आती है, उसमें हमारे पास पेट्रोल इंजन में एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आ रहा है, इस इंजन में सिर्फ एयर अंदर आएगी। देखिए, हमारे पास पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है जिसमें एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो है और प्रॉपर रेशियो में मिक्स होके अंदर आता है। इसमें हमारे पास सिर्फ एयर आ रही है तो यहाँ कार्बोरेटर की जरूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में फर्क क्या है, कि डीजल इंजन में कार्बोरेटर नहीं होता। आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे पास टीडीसी से बीडीसी तक आया ये पिस्टन, नीचे की ओर मूव कर गया। अब मैं क्या करता हूं अगले स्ट्रोक में, अब बीडीसी से जो पहुंचा हुआ है, ये बीडीसी पे पहुंचा हुआ है, अब ये पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा। पिस्टन जब ऊपर की ओर मूव करेगा, जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा तो यहां जो एयर है, देखिए यहां पे एयर फिल हो गई है, ये यहां पे सारी एयर फिल हो चुकी है। यहां पे सिर्फ एयर है। अब क्या करना है कि यहां पे जो दो वॉल्व्स हैं इन दोनों को बंद रखना है। आउटलेट वॉल्व भी बंद है और इनलेट वॉल्व भी बंद है। तो अब कंप्रेसर की तरह वर्क कर रही है। तो अब पिस्टन जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा एयर को कंप्रेस करता रहेगा। हम एयर को कंप्रेस करता रहेगा, इसीलिए इसका क्या नाम बन गया, कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक तो इसका नाम पड़ गया कंप्रेशन स्ट्रोक। देखिए, अब मेन इंजन इसका वर्किंग का मेन पार्ट, कंप्रेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, इसकी कंप्रेशन रेशियो हाई होती है। अब दूसरा पॉइंट, पेट्रोल और डीजल इंजन में जो डिफरेंस है वो क्या है, कि कंप्रेशन रेशियो इसकी हाई होती है डीजल इंजन की, पेट्रोल इंजन की कम होती है, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों में डिफरेंस भी साथ साथ चलता जाएगा। तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो कम है, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना कंप्रेस कर देंगे, देखिए मैं अब कंप्रेस करता जा रहा हूं, यहां तक पहुंच गया हूं।
अब जो एयर है, एयर कंप्रेस हो चुकी है और यहां पे पहुंच चुकी है। ज्यादा कंप्रेस होने के कारण होता क्या है कि इसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। किसका? एयर का। एयर का टेम्परेचर राइज होगा। मैंने उसमें भी एग्जांपल दी थी, आप किसी चीज को, चाहे बाजू है, इसको भी पकड़ के रखोगे जोर से, तो जितना जोर से पकड़ के रखोगे, कंप्रेस करोगे, यहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो आप कभी करके देख लेना एक बार। तो जहां भी आप जिस चीज को कंप्रेस करके रखोगे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है एयर का, वही हमारे काम आना है। अब मेन डिफरेंस, हमारे पास उसमें क्या था पेट्रोल इंजन में, यहां पे एक स्पार्क प्लग लगा था, क्योंकि एयर और पेट्रोल का मिक्सचर था, और जैसे ही स्पार्क प्लग ने एक छोटी सी स्पार्क दी और पेट्रोल जल गया और हमें पावर मिल गई। यहां पे सिर्फ एयर है और इतनी हॉट है, गर्म हो चुकी है, हम क्या करेंगे, यहां पे एक इंजेक्टर लगाएंगे। ये एक इंजेक्टर है। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ चीजों में नाम रखने का। देखिए, इंजेक्टर, इंजेक्शन, इंजेक्ट, देखिए इंजेक्ट एक वर्ड है, उससे ही सब वर्ड बन जाते हैं। इंजेक्ट करना, किसी के अंदर कोई चीज डालना, ठीक है, इंजेक्ट कर देना। तो इंजेक्टर वर्ड से इंजेक्शन, इंजेक्टर, ये वर्ड बना। तो ये एक ना, अब इंजेक्टर करेगा क्या, एक जैसे छिड़काव करते हैं ना किसी चीज का, ठीक है, तो पानी का छिड़काव करते हैं, अचानक से हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं तो छिड़काव हो जाता है। तो हमारे पास इंजेक्टर एक छिड़काव कर रहा है, किसका, डीजल का। अब एयर इतनी गर्म है कि अगर इसमें डीजल डाला जाए अचानक से, तो डीजल जल पड़ेगा। तो जलने से होगा क्या, हमें अचानक से एक हीट एनर्जी मिलेगी और एक फोर्स मिलेगी जो पिस्टन को नीचे की ओर मूव कर देगी, और वही हमें चाहिए था। और दिस इज पावर स्ट्रोक। और ये तीसरा डिफरेंस आ चुका है हमारे पास, क्या है कि इसमें इंजेक्टर होता है, उसमें स्पार्क प्लग होता है। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग और इसमें इंजेक्टर, सबसे पहला डिफरेंस यहां था। तो सबसे पहले यहां क्या था कि सिर्फ यहां जो एंटर कर रही थी, यहां एयर एंटर कर रही है, और वहां क्या था, एयर और पेट्रोल। यहां पे कंप्रेशन रेशियो हाई था, तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो थोड़ा कम था। यहां पे क्या है, यहां पे स्पार्क प्लग लगा होता है पेट्रोल इंजन में, और यहां पे क्या लगा है, इंजेक्टर। दिस इज इंजेक्टर। और अभी भी देखिए, और ये दोनों वॉल्व अभी भी बंद है, दोनों वॉल्व अभी भी बंद है। अब आ गया मेन काम। अब इसने क्या किया, फोर्स दे दिया, जितना फोर्स लगाना था पावर स्ट्रोक मिल गई। अब यहां क्या रह गया, यहां रह गया सिर्फ धुआं, और हमें उस धुएं की जरूरत नहीं है, सो एग्जॉस्ट कर देंगे हम उसे, ठीक है। तो एग्जॉस्ट करने के लिए आउटलेट वाल्व है जो ओपन कर देंगे हम। ये देखिए, यहां नीचे जा रहा था, ये पिस्टन ऊपर जा रहा था, ये नीचे जा रहा है, अब फिर ऊपर जाने लग जाएगा, और हमारा जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, और यहां से क्या बाहर जाएगा, सिर्फ धुआं। वो धुआं किस बात का है, वो जो अभी डीजल आपने जो यूज किया है, डीजल इग्नाइट हुआ है और डीजल का बचा हुआ पार्ट रह गया, यहां सिर्फ धुआं रह गया था, काला धुआं और कुछ नहीं। और उस धुएं को हम साइलेंसर के थ्रू बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और एनवायरमेंट हमारे लिए क्या है, एनवायरमेंट हमारे लिए कुछ नहीं, एक डस्टबिन बना दिया हमने, और उस डस्टबिन में हम फेंक रहे हैं लगातार, ठीक है, धुआं फेंक रहे हैं जहां दिल कर रहा है, कूड़ा फेंक रहे हैं। तो एनवायरमेंट बहुत बड़ा, हमने एक कूड़ादान समय रखा है और हम लगातार उसमें फेंक ही जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता उस कूड़ादान के अंदर हम खुद रह रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक बार जरूर देखिए जो आप कहते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है इस बात का कि आप पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक सर्टिफिकेट ले लेते हैं थोड़े से रुपए देके, ठीक है, और चाहे आपके एक गाड़ी में से जितना मर्जी धुआं आ रहा हो, और वो भी वो सर्टिफिकेट देते हैं, हम भी ले लेते हैं, ठीक है, और आप हमें ये नहीं पता कि वो वाला धुआं जो है एनवायरमेंट में जा रहा है। और मैंने इसके ऊपर, मैंने एंट्रोपी पे एक वीडियो बनाई है,
एंट्रोपी वाली वीडियो के लिए भी अभी लिंक दे रहा हूँ, वो क्लिक करके देखना। तो एंट्रोपी वर्ड यहां से ही समझ आता है, इस धुएं से ही समझ आता है। तो एनर्जी, ठीक है, एनर्जी काम के लायक नहीं बचेगी तो हम कहां जाएंगे, ठीक है। जरूर देखिए आप वो वाली वीडियो एंट्रोपी वाली। तो इस तरह से आप इसको फोर स्ट्रोक डीजल इंजन की वर्किंग को समझ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं जो ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम उसके, ठीक है। और मुझे अजीब सा लगता है कि कईयों को शायद ये भी नहीं पता होता पीवी डायग्राम बनना क्यों है और टीएस डायग्राम बनना क्यों है, ठीक है। तो अगर नहीं पता तो प्लीज इस पे फाइंड आउट कीजिए कि ये पीवी डायग्राम जो बनते हैं, हम बार बार बनाते थे, बीटेक में मैं भी बनाता था पीवी डायग्राम, बस मुझे ये पता था कि लाइन से ऊपर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, हो जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था पीवी डायग्राम बनना क्यों है, ठीक है। टीएस डायग्राम बनाना है, इधर चलेगी लाइन, इधर चलेगी, लेकिन बनाना क्यों फिर नहीं पता था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको ये चीज समझ आई या नहीं आई मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और इसके अलावा जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं वो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।